Hello everyone, this video is a sample recording from our live streaming classes for GATE and UGC NET. If you want to enroll for the live classes for GATE or UGC NET, please call us on the numbers that is given in this video, or you can also visit our website, which is www.digimentor.com. These live streaming classes are complete comprehensive courses, which is having full thorough coverage of all the previous year question papers as well as the course content for the exam preparation. All the best, please enjoy the video. चलिए इससे पहले हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट आता है जिसका नाम है प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर मींस प्रेडिक्टिंग द बस टाइम प्रेडिक्शन मेथड ऑफ. अभी हम बात कर रहे थे बस टाइम के बारे में कि बस टाइम क्या होगा, तो उसके लिए हमारा छोटा सा कंसेप्ट है प्रेडिक्शन ऑफ बस टाइम. देखिए इसके लिए हमारे पास दो टाइप के मेथड्स होते हैं, ठीक है. वन इज स्टैटिक एंड सेकंड इज डायनामिक. स्टैटिक आपका डिपेंड करता है कि आपकी प्रोसेस का साइज क्या है, आपकी प्रोसेस का बस टाइम क्या है, आपकी प्रोसेस का टाइप क्या है. प्रोसेस किस टाइप की है? प्रोसेस इज अ यूजर प्रोसेस और कर्नल प्रोसेस, सिस्टम प्रोसेस, और इट इज अ यूजर, इट इज अ सीपीयू बाउंड प्रोसेस और इट इज अ इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस. ओके, प्रोसेस साइज पे डिपेंड करेगा आपका. स्टैटिक है तो फॉर एग्जांपल आपकी प्रोसेस हम लेते हैं, आपकी ओल्ड प्रोसेस है उसका साइज है 200 KB फॉर एग्जांपल, लेकिन नई प्रोसेस है उसका साइज है कितना, 201 KB. तो आपका स्टैटिक टाइम, उसके लिए हम एक स्टैटिक टाइम रख देंगे प्रेडिक्शन टाइम 20 यूनिट्स. स्टैटिक बस टाइम इज कितने टाइम के लिए वो एग्जीक्यूट होगा. हियर सेकेंड आता है हमारा डायनामिक. डायनामिक में हमारे पास मेन कंसेप्ट आता है, दैट्स नेम इज एजिंग. दिस इज द कंसेप्ट यूज टू रिमूव स्टारवेशन. एजिंग का मीनिंग है कि हम आपकी जो स्टारवेशन है, जो प्रोसेस लंबे समय से वेट कर रही है, उसको हम कुछ एडिशनल फैक्टर ऐड करते रहते हैं ताकि उसकी प्रायोरिटी या फिर उसका वेटिंग टाइम है वो कम हो जाए. उसको हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड करते रहते हैं, दैट इज एजिंग, और यू कैन से एक्सपोनेंशियल एवरेज. इसको एक्सपोनेंशियल एवरेज भी बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल एवरेज और एजिंग. देख इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला, टी एन प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा टी आई अल्फा इंटू टी आई प्लस वन माइनस अल्फा इंटू टी एन. ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है. अल्फा इंटू टी आई इंटू, यहाँ पे आप डॉट भी लगा सकते हो, इंटू टी एन. दिस इज द प्रेडिक्शन टाइम. ये है आपका प्रेडिक्टेड बस टाइम. अल्फा यहाँ पे हम यूज करते हैं, अल्फा इज द स्मूथिंग फैक्टर और एजिंग फैक्टर, जिसको हम ऐड करते रहेंगे. ये आपका स्टारवेशन को कम करता रहेगा, लॉन्ग वेटिंग को कम कर देगा, ठीक है. एग्जाम्पल लेते हैं, एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास. अल्फा की वैल्यू है वो 0.5 ली जाती है, मींस दिस इज इक्वल टू 1/2, और T1 आपको गिवन है 10. T1 आपको फर्स्ट टाइम है वो 10 गिवन है, और एक्चुअल बस टाइम योर टी आई T1 इज 4, T2 इक्वल टू 8, T3 इक्वल टू 6 एंड T4 इक्वल टू 7. आपको फाइंड करना है T5 फाइंड कीजिए. फॉर आपको एक्चुअल बस टाइम गिवन है, एक्चुअल टाइम ये है, उसके साथ साथ आपको एक्चुअल टाइम में आपको एक स्मूथिंग फैक्टर प्रोवाइड किया गया, एक एजिंग फैक्टर प्रोवाइड किया गया, उसके साथ आपको फर्स्ट हमारा प्रेडिक्शन क्या है वो गिवन है, ठीक है. आपको फाइंड आउट करना है कि फिफ्थ टाइम प्रेडिक्ट करें, अगर हम ऐड करते जाएं तो उस टाइम पे हमारा T5 क्या होगा, हमारा एक्सपेक्टेड बस टाइम क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. चलिए सबसे पहले कितना था, 10 था वेटिंग, 10 थी हमारी. फॉर एग्जाम्पल T1 इक्वल टू 10,
फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. नेक्स्ट कौन होगा, n इक्वल टू वन है, n इक्वल टू वन है आपका, ठीक है, n इक्वल टू वन है. इसको t, अच्छा अरे अलग अलग लिख दिया, दिस इज tn, tn, ओके चेंज कर लेना, ये अलग हो गया था tn. अल्फा इंटू टी टू क्या होगा, n प्लस वन, वन प्लस वन इज टू, टी टू इक्वल टू वन बाय टू इंटू एक्चुअल बस टाइम इज फोर प्लस वन बाय टू इंटू गीवन टी वन इज टेन, गीवन टी वन इज टेन. टी टू की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, टी टू की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, टू बाय टू फोर, टू इंटू फाइव सेवन, कितना आया सेवन. टी टू की वैल्यू आपको कितनी मिली, सेवन यूनिट ऑफ टाइम. नेक्स्ट फाइंड आउट कीजिए टी थ्री, टी थ्री सेम एज इज अल्फा, टी टू इज, टी टू इज एट प्लस वन बाय टू, नाउ टी टू, नाउ टी टू, टी टू इज सेवन, टी टू इज सेवन, फाइंड आउट फोर प्लस थ्री पॉइंट फाइव, फोर प्लस सेवन बाय टू आप इसको लिख सकते हो, दिस इज सेवन पॉइंट फाइव. नेक्स्ट टी फोर वन बाय टू इंटू टी थ्री, टी थ्री इज सिक्स प्लस वन बाय टू, दिस टी थ्री, टी थ्री इज सेवन पॉइंट फाइव और सेवन बाय टू, नाउ दिस इज इक्वल टू थ्री प्लस सेवन बाय फोर, थ्री प्लस सेवन बाय फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस साइन, फोर थ्री जा टी फोर सेवन बाय फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस सेवन नाइनटीन बाय फोर, दिस इज नियरली इक्वल टू फोर थ्री जा ट्वेल्व, 27 by 4, you can write it 15 by 2, okay, we need to find T5, 1 by 2 into T4 is given 7 plus 1 by 2 into T4 is 27 by 4, this is equal here 7 by 2 plus 27 by 8, find out the LCM, find out LCM. We get 2 4 is 8, 7 4 is 21, 21 plus 27, 58 by 8, 58 by 8. Solve कीजिए, 8 6 जा, 8 7 जा 56, plus 2, 7.2 something, 7.2 कुछ आएगा आपका आंसर. Oh, 28 plus, okay, 20, 55. It is 55 by 8, 6.8 something, 6.8 something. तो हमारा T5 की वैल्यू हमें क्या मिली, T5 एजिंग फैक्टर, एजिंग फैक्टर हमने अल्फा लिया था, उसके अकॉर्डिंग हमें T5 की वैल्यू मिलती है 6.8. मीन्स ये आपको फ्यूचर बताता है, फ्यूचर हमारा एक्सपेक्टेड बस टाइम क्या होगा अगर हम एग्जीक्यूट करते रहें, मीन्स हमारी स्टारवेशन प्रॉब्लम को रिमूव करते रहें, कुछ वैल्यू से हम यदि इंक्रीज करते रहें. ओके नाउ कंप्लीट, एनी डाउट. ओके देखिए ये आपका क्या है, दिस इज योर एजिंग फैक्टर, ये आपका एजिंग फैक्टर है अल्फा, ये आपका एक्चुअल बस टाइम आपको गिवन है, एक्चुअल बस टाइम आपको गिवन है, और ये आपको प्रिडिक्टेड टाइम गिवन है, एक प्रिडिक्टेड टाइम गिवन है, आपको नेक्स्ट प्रिडिक्शंस फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, आपका अल्फा फैक्टर है प्लस आपके पास एक्चुअल बस टाइम है जो वो है, प्लस आपके पास वन प्रिडिक्टेड टाइम भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. हो सकता है आपको T0 मिल जाए, यहाँ पे हमने T1 से बात की है तो T0 से भी आपकी स्टार्टिंग हो सकती है. ठीक है, और ये है आपका कि आपको किसी टाइम पे यदि आपका फाइंड आउट करना हो कि हमारा बस टाइम क्या हो सकता है, उसके लिए ये हमारा इक्वेशन है, इसको एजिंग फैक्टर इक्वेशंस भी बोलते हैं, एजिंग इक्वेशन. ओके नेक्स्ट एल्गोरिथम इज राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. नेक्स्ट इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एंड दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राउंड रॉबिन एंड एस आर टी एफ. चलिए
Fourth one is round robin, RR, round robin. It is very simple, बहुत simple है. You can say round robin is FCFS with preemption. FCFS with preemption. आपकी first come first serve is same scheduling algorithm with the preemption, कि उसको primitive कर दिया गया है. किसके base पे? किसी time interval के base पे. जैसे वहां पे क्या था, जो प्रोसेस फर्स्ट आपकी अराइव होती है उसको कंप्लीट एग्जीक्यूट किया जाता था, लेकिन यहां पे हम एक टाइम अराइवल रखेंगे ऑन ए टाइम इंटरवल. एक टाइम इंटरवल की आपकी कोई भी प्रोसेस यदि अराइव होती है तो इस पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए ही एग्जीक्यूट करेगी, उसको सीपीयू मिलेगा. ठीक है, सीपीयू मिलेगा. और अगर उसका सीपीयू कंप्लीट हो जाता है तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, प्रिम्पशन करना पड़ेगा, अगेन रेडी क्यू में जाना पड़ेगा. क्राइटेरिया है आपका टाइम क्वांटम. ये क्राइटेरिया ही आपका मेनली इस टाइम अराइवल, इसको टाइम इंटरवल, टाइम क्वांटम, शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग भी बोलते हैं. ठीक है, क्राइटेरिया है आपका ये टाइम, टाइम क्वांटम. जैसे हमने बात की थी डिनोटेड बाय डेल्टा एंड मोड इज प्रिम्पशन, कि आपको प्रिम्पशन यहां पे करना है. चलिए, जनरली ये किस एल्गोरिथम पे काम करता है, मैं एक आपको जस्ट सिंपल डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं. देखिए, हमारे पास प्रोसेसेस क्या होती हैं, रेडी स्टेट में होती हैं. प्रोसेसेस हमारे पास रेडी स्टेट में होंगी और प्रोसेस का कुछ बस्ट टाइम भी होगा. कुछ उसका बस्ट टाइम मींस उसका टाइम कितना चाहिए उसके एग्जीक्यूशन के लिए. यदि प्रोसेस का जो बस्ट टाइम है वो लेस देन है डेल्टा से, लेस देन है डेल्टा से, और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई टी क्यू, इसको हम टी क्यू से भी डिनोट करते हैं, इसको हम टी क्यू से भी डिनोट करते हैं. मैं टी क्यू लिख देता हूं, आपको याद रहेगा टाइम क्वांटम. यदि आपका टाइम क्वांटम से कम है, ठीक है, या इक्वल टू है, तो क्या होगा, उस गिवन इंटरवल में आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी. उस गिवन इंटरवल में आपकी प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी. मीन्स आप उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दोगे. यदि ऐसा हो जाएगा तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, और वो हो जाएगी आपकी कंप्लीट. प्रोसेस हो गई क्या आपकी, कंप्लीट हो गई उस बस टाइम के लिए, प्रोसेस बस टाइम, और प्रोसेस आपकी कर जाएगी टर्मिनेट, और यू कैन से एग्जिट, आपकी प्रोसेस एग्जिट कर जाएगी. अगर ऐसा नहीं होगा फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, आपकी गिवन जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करेगी, प्रोसेस एग्जीक्यूट फॉर टाइम क्वांटम टाइम, टाइम क्वांटम टाइम, जितने यूनिट ऑफ टाइम का आपका क्वांटम है उतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगी, और फिर जैसे ही ये टाइम क्वांटम कंप्लीट होगा उसके बाद आपकी प्रोसेस फिर से रेडी स्टेट में चली जाएगी, आपकी प्रोसेस फिर से रेडी स्टेट में चली जाएगी, एंड अगेन सेम प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा फिर से. ठीक है, आपकी प्रोसेस अगेन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस फॉर बस टाइम, फॉर बस टाइम इट इज कंप्लीट, एंड कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपकी प्रोसेस एग्जिट स्टेट में चली जाएगी. तो ऐसे काम करता है आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. यहां पे क्या होगा, अगर आपका टाइम क्वांटम ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, लार्ज टाइम क्वांटम है तो आपके लिए बहुत अच्छा है. यहां पे आपके पास डिसएडवांटेज क्या क्या है, देखिए, अगर हमारा टाइम क्वांटम स्मॉल है, फर्स्ट मैं बात करता हूं, इफ टाइम क्वांटम इज स्मॉल, टाइम क्वांटम इज स्मॉल, टाइम क्वांटम स्मॉल है तो आपको बार बार प्रिम्पशन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, प्रिम्पशन बार बार करना पड़ेगा. उसके कारण क्या होंगे, मोर नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेज, मोर नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेज कैसे होंगे हमें अभी देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू. और सेकेंड, अगर आपका टाइम क्वांटम बहुत ही लार्ज है, हाई है, और यू कैन से लार्ज, तब आपकी जो राउंड रॉबिन है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के. नाउ योर राउंड रॉबिन इज सेम एज योर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. क्यों, क्योंकि हो सकता है कि टाइम क्वांटम की वैल्यू आपके बस टाइम से ज्यादा हो, टाइम क्वांटम की वैल्यू
कब हो सकता है, व्हेन टाइम क्वांटम वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू योर बस टाइम, टाइम क्वांटम वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू योर बस टाइम, बस टाइम से भी ज़्यादा हो गई तो उतने टाइम के लिए प्रोसेस को मिल रहा है और वो उससे पहले ही कंप्लीट हो जा रही है, मीन्स इट इज सेम एज वर्किंग एज योर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए टाइम क्वांटम की जो वैल्यू है वो एक मॉडरेट वैल्यू चूज की जाती है, कि हमारा ना तो ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचेस अक्कर हो और ना ही हमारी जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो FCFS की तरह काम करें। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को ट्राई करना है, पहले सबसे पहले आपको ट्राई करना है इसको। प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम एंड बस टाइम, वी हैव सिक्स प्रोसेसेस, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करते हैं, प्रोसेस ज़्यादा डाल दी है अब की बार। अराइवल टाइम इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 6, बस टाइम इज 4, 5, 2, 1, 6 एंड 3 एंड टाइम क्वांटम वैल्यू इज 2 यूनिट्स, टाइम क्वांटम वैल्यू इज 2 यूनिट्स। प्लीज ट्राई फ्रॉम योर सेल्फ, एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको गैंट चार्ट मेंटेन करना है, गैंट चार्ट को मेंटेन करना है एज वेल एज रेडी क्यू को मेंटेन करना है, और अब की बार आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। मैं कुछ पहले एक एग्जाम्पल, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे आपको मेंटेन करते हुए चलना है। आपके पास 6 प्रोसेस हैं टोटल, कितनी प्रोसेस हैं, 6। टाइम क्वांटम कितना है, 2 यूनिट्स, टाइम क्वांटम कितना है, 2 यूनिट्स, मीन्स कि अब की बार आपकी जो प्रोसेस है वो कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगी, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगी। चलिए सबसे पहले 0, गैंट चार्ट स्टार्ट विद 0, एट अराइवल टाइम 0 प्रोसेस इज P1, प्रोसेस P1 अक्कर होती है, ठीक है। P1 इज गो फॉर 2 यूनिट्स ऑफ एग्जीक्यूशन, P1 2 यूनिट्स ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए कंप्लीट होगी एंड P1 रिमेनिंग टाइम इज 2 यूनिट्स, P1 2 यूनिट्स के लिए एग्जीक्यूट होती है, टाइम क्वांटम वैल्यू इज 2, रिमेनिंग टाइम इज बस टाइम इज 2, ओके, रिमेनिंग बस टाइम इज 2। एट 1 यूनिट ऑफ टाइम, अभी इस दौरान 1 यूनिट ऑफ टाइम पे आपका जब ये एग्जीक्यूट कर रहा था, 1 यूनिट ऑफ टाइम पे जब एग्जीक्यूशन हो रहा था तो 1 पे कौन है आपका रेडी क्यू में आया, P2, एंड 2 यूनिट्स ऑफ टाइम जैसे ही कंप्लीट हुआ उस टाइम पे रेडी क्यू में कौन आया, P3, एंड अभी आपका P1 है उसका रिमेनिंग टाइम है, तो फिर उसके बाद कौन शेड्यूल होगा, P1, फिर उसके बाद कौन आता है रेडी क्यू में, P1, रेडी क्यू में कौन आता है, P1। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन किसका होगा, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में आपको ध्यान रखना है, जैसे हम पहले हमारे किसी भी प्रोसेस को हम चूज कर लेते थे, यहां ऐसा नहीं होगा, यहां आपको जैसे जैसे आपकी प्रोसेस है वो अक्कर होती जाएंगी वैसे वैसे आपको शेड्यूलिंग करनी है, वैसे वैसे आपको शेड्यूलिंग करनी है। नेक्स्ट आपकी रेडी क्यू में कौन है, नेक्स्ट कौन है, P2, नाउ वी विल गो फॉर P2 एग्जीक्यूशन, P2 गो फॉर 5 यूनिट्स ऑफ टाइम, P2 बस टाइम 5 है, लेकिन टाइम क्वांटम कितना है आपके पास, ओनली 2 यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम क्वांटम कितना है, ओनली 2 यूनिट्स ऑफ टाइम, तो P2 कितने यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेगा, 2 यूनिट के लिए, एंड जब P2 एग्जीक्यूट कर रहा है तो 3 यूनिट्स पे, 3 पे आपका कौन अक्कर होता है, P4, तो 3 पे उस टाइम पे P4 एंट्री कर चुका है रेडी क्यू में, और 4 यूनिट ऑफ टाइम पे आपका P5 एंट्री कर चुका है रेडी क्यू में, रेडी क्यू में P2 एग्जीक्यूट कर रहा है, P2 ने 2 यूनिट्स के लिए एग्जीक्यूट किया, रिमेनिंग बस टाइम इज 3 यूनिट्स, और अगेन आपका P2 शेड्यूलिंग क्यू में आ जाएगा, अगेन आपका P2 रेडी क्यू में एंट्री कर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन है, P3 एग्जीक्यूशन के लिए करेगा, 2 यूनिट्स ऑफ टाइम 6, इट इज कंप्लीटेड, P3 आपका कंप्लीटेड हो जाता है, P3 कंप्लीट हो जाने के कारण
5 यूनिट्स पे कोई भी नहीं है, P6, 6 यूनिट ऑफ टाइम पे P6 आपका शेड्यूलिंग में आ जाता है, P6 आपका शेड्यूलिंग में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रन कीजिए, ऐसे एग्जीक्यूट कीजिए। नेक्स्ट कौन है एग्जीक्यूशन के लिए? P1। नेक्स्ट कौन है? P1। P1, P3 के बाद कौन एग्जीक्यूट होगा? P1। P1 कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होता है? 2 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए। 2 यूनिट्स टाइम, इट इज कंप्लीटेड, P1 कंप्लीट। नाउ P4, नाउ P4, P4 फॉर 2 यूनिट ऑफ टाइम, P4 फॉर 2 यूनिट ऑफ टाइम, बट इट इज ओनली फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम। P4 कंप्लीटेड, P4 कंप्लीटेड। नाउ P5, P5 फॉर 2 यूनिट्स ऑफ टाइम, 11, रिमेनिंग टाइम इज 4 यूनिट्स, रिमेनिंग टाइम इज 4 यूनिट। देन P5 अगेन इन द रेडी क्यू, P5 अगेन इन द रेडी क्यू। नाउ आफ्टर P5 वी हैव P2 गो फॉर 3 यूनिट्स, बट हियर टाइम क्वांटम इज ओनली 2 यूनिट्स, देन इट इज गो फॉर 2 यूनिट्स एंड रिमेनिंग इज 1 यूनिट ऑफ टाइम, एंड P2 अगेन इन द रेडी क्यू। आफ्टर दैट P6 go for 2 units of time, remaining bus time is 1 unit, it is 15, 1 unit time is again. Now P5 in the ready queue, P5 go for 2 unit of time, bus time, remaining time is 2 units, 17, P5 again in the ready queue. Now P2 time, turn is P2 go for 1 unit of time, 18, P2 completed. Now P6 also go for 1 unit of time, P6 and it is completed at 19, completed at 19. Now P5 remaining for 2 units, now P5, 19 and 2 unit, it is at 21, completed. This is your Gantt chart, this is your Gantt chart, okay. Why P1? Because मैंने आपको बताया अभी गौरव, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अब की बार हम रेडी क्यू में भी आपके शेड्यूलिंग सीक्वेंस रख रहे हैं। राउंड रॉबिन में क्या होता है, रेडी क्यू में भी आपके शेड्यूलिंग सीक्वेंस रहते हैं, ठीक है, कि कौन सी प्रोसेस कब अराइव होती है, वो कब उसके किसके बाद शेड्यूल होगी, किसके बाद कौन शेड्यूल होगा। हमने यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है P3 के बाद P1 को, क्योंकि P3 के बाद P1 हमारा शेड्यूलिंग में था, ठीक है, P3 के बाद P1 शेड्यूलिंग में था। अब की बार आपको शेड्यूलिंग सीक्वेंस को मेंटेन करके चलना है राउंड रॉबिन में। तो आप यहां से फाइंड आउट कीजिए कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट कीजिए, टर्न अराउंड टाइम को फाइंड आउट कीजिए एंड वेटिंग टाइम। चलिए P1 कब कंप्लीट होता है चेक कीजिए, P1 कंप्लीट हियर, P1 at 8 यूनिट ऑफ टाइम, P2 at 18 एंड P3 हियर एट 6, P5 at 21 and P6 at 19. This is the completion time of your processes. P2 is 18 and P3 is 6, P4 9, P5 21 and P6 19. Now find out the turnaround time and waiting time. Turnaround time is completion time minus arrival time, 8 minus 0, 8, 18 minus 1, 17, 6 minus 2, 4, 9 minus 3, 6, 21 minus 4, 17, 19 minus 6, 13. This is your turnaround time. Find waiting time, 8, turnaround time minus bus time, 8 minus 4, 4, 17 minus 5, 12, 4 minus 2, 2, 6 minus 1, 5, 17 minus 6, 11, 13 minus 3, 10. Now find out the average waiting time and average turnaround time. Now find out average waiting time and average turnaround time.
Okay. Now, this is the procedure to schedule in the round robin scheduling. This is the procedure to schedule your processes in the round robin scheduling. Please match the bus time. If your process have the less bus time from the given quantum, then your process is completed and it go for the exit state. But if your bus time is greater than your time quantum, then your process run for the given time quantum and again go in the ready queue. In ready queue we follow the sequence. And according to that sequence, our processes are moving to the running state. Move from ready state to the running state. Okay. Any doubt related to round robin? Round robin scheduling is used in the time sharing environment. Devashree, round robin scheduling is working in your time sharing, your multitasking environment. Please check in the previous lecture, yesterday lecture, I already explained you in the multitasking. In the multitasking OS, we use round robin scheduling. Your every process get a chance to interact with the CPU. चलिए यहाँ पे देखिए, आपका P1 है, bus time 4 है, लेकिन इससे पहले ही, 4 से पहले, P1 के complete होने से पहले, P2 को chance मिला CPU से interact करने का. Next, P1 के बाद P4 and P5 at 5 means total is 9, up to P2 9, but up to 9 your P3 and P4 also get a chance to interact with the CPU. 4 plus 5 is 9, but up to 9 your P3 and P4 also get a chance to interact. But if you count here 4 plus 9 up to 9, your two processes are completed. अगर आप FCFS से try करते तो आपकी दो ही process complete होती, लेकिन यहाँ पे आप check कर सकते हो up to 9 आपकी तीन process भी complete हो चुकी हैं. Means आपका throughput बहुत ही ज़्यादा आता है, throughput अच्छा आता है, CPU utilization अच्छा रहता है, and every process get a chance to interact with the CPU, as well as minimize the response time, and also maximize your efficiency, okay. Now complete it. Okay. चलिए यहाँ पे यदि आपसे question पूछा जाए कि how many context switches are occur during the scheduling of these given 6 processes? जब आप इन 6 process को round robin scheduling से schedule करते हो तो आपके कितने context switch occur होते हैं? Context switches means कि जब आपकी एक process को है सेव किया गया हो कॉन्टेक्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट है वो लोड किया गया हो. दिस इज आल्सो ए कॉन्टेक्स्ट स्विच, हियर इज ए कॉन्टेक्स्ट स्विच, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. तो कितने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुए काउंट कीजिए, यू विल गेट योर आंसर. हाउ मेनी कॉन्टेक्स्ट स्विचेस यू गेट योर आंसर. ओके, तो ये था राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ये है आपकी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. चलिए एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा आपका प्रीवियस ईयर डिस्कस करते हैं. मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं. इट इज अ गेट क्वेश्चन. कंसीडर द सिस्टम विद एन प्रोसेसेस. मैं आपको बता देता हूं ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है. 1998 का क्वेश्चन है ये, गेट 1998 का क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन है कंसीडर द सिस्टम विद एन प्रोसेसेस शेयरिंग द सीपीयू इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज एस, नंबर ऑफ प्रोसेस इक्वल टू एन, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम is equal to S units. Context switching time is S unit.
देन व्हाट मस्ट बी द टाइम क्वांटम क्यू. आपको फाइंड आउट करना है क्यू, आपको फाइंड आउट करना है क्यू. सच दैट द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचिंग आर रिड्यूस्ड बट एट द सेम टाइम ईच प्रोसेस इज गारंटीड टू गेट इट्स टर्न एट द सीपीयू फॉर एवरी टी सेकेंड्स ऑफ टाइम. फॉर एवरी टी सेकेंड्स ऑफ टाइम आपकी प्रोसेसेज है उनका बस्ट टाइम गिवन है टी सेकेंड्स. ठीक है, टी सेकेंड्स. तो बताइए, ओके ओके ओके, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी प्रोसेस है वो अभी अक्कर हुई है तो वो नेक्स्ट टाइम जब अक्कर होगी तो उसके बीच का टाइम मीन्स एक कंप्लीशन टाइम क्या होगा, टी सेकेंड होगा. जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे P1 है इसके बाद क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा. P2 अक्कर होता है, नेक्स्ट P3 अक्कर होता है, नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट स्विच P3, नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट स्विच P4, नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट स्विच, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. नेक्स्ट अगेन यदि P1 अक्कर होगा, यदि P1 अक्कर होगा तो ये जो टाइम है, यही ना, सॉरी, ये जो टाइम है आपका यहां से यहां तक का जो टाइम है, ये वाला टाइम, ये टाइम आपको गिवन है टी यूनिट्स, टी यूनिट. ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट मस्ट बी द क्वांटम क्यू की वैल्यू क्या होगी. आपके ऑप्शन है क्यू इक्वल टू टी माइनस एन एस बाय एन प्लस वन. ऑप्शन बी है क्यू इक्वल टू टी प्लस एन एस बाय एन माइनस वन. ऑप्शन सी है Q इक्वल टू T माइनस एन एस बाय एन माइनस वन. एंड ऑप्शन डी इज Q प्लस Q इक्वल टू T प्लस एन एस बाय एन प्लस वन. प्लीज फाइंड आउट द टाइम क्वांटम. मैंने क्वेश्चन आपका आधा क्वेश्चन सोल्व कर दिया है, अभी आपको फाइंड आउट करना है कि टाइम क्वांटम की वैल्यू क्या होगी. हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व. हाँ जी, आंसर आया किसी का? देवश्री सेज ए. नो देवश्री, ए इज योर इनकरेक्ट आंसर. देवश्री ट्राई अगेन. ऑलरेडी सॉल्यूशन आपको यहां मिल जाएगा इस डायग्राम में, ध्यान से देखिए. देखिए P1 आपका टाइम क्वांटम क्या है, Q. मींस टाइम क्वांटम Q है तो आपकी एक प्रोसेस मैक्सिमम कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगी, Q यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए. तो P1 कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए करेगी, Q यूनिट. P2 आल्सो Q यूनिट, P3 आल्सो Q यूनिट एंड P4 आल्सो Q यूनिट्स, सभी Q यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेंगे. उसके साथ ही अगर आप चेक करें तो स्विचिंग टाइम कितना है, S. S यूनिट ऑफ टाइम, S यूनिट ऑफ टाइम, S यूनिट ऑफ टाइम एंड S यूनिट ऑफ टाइम. यही है, यही है. हां जी, चलिए यहां पे आपकी प्रोसेस कितनी थी, n. प्रोसेस कितनी थी, n. और आपको t की वैल्यू गिवन है, t. t क्या है, t इक्वल टू, देखिए t टाइम के दौरान क्या होता है, t टाइम के दौरान आपका क्या हो रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस को अगेन चांस मिला, नेक्स्ट प्रोसेस को अगेन चांस मिल रहा है. ठीक है, तो मींस t इज n इंटू एस प्लस n माइनस वन इंटू क्यू. N into S, चार प्रोसेस थी टोटल, कितनी प्रोसेस थी, फोर प्रोसेसेस. स्विचिंग कितने हुए, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर, हमने चार प्रोसेस इंक्लूड की थी, P1, P2, P3 एंड P4. और टाइम आपके स्विचिंग कितनी हुई, फोर, यानी कि आपकी N प्रोसेस है तो स्विचिंग कितनी होंगी, N होंगी. उसके दौरान कितनी प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी, अगर वो N प्रोसेस है, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी है तो रिमेनिंग कितनी है, N माइनस वन. N minus 1 remaining है तो everyone execute for the Q unit of time. Then N minus 1 into Q. Total quantum time is N minus 1 into Q. तो find out कर दो यहां से Q की value क्या आएगी. This is T minus NS. This is N. NS. तो value क्या होगी Q की. Q equal to T minus NS by N minus 1. Very short question. Long process था ही नहीं. आपका answer क्या आएगा, C. C is your answer. C is your answer. Okay? तो ये था आपका राउंड रॉबिन क्वेश्चंस.
अप टू हियर इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, अगर आपको अब तक कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए. टिल राउंड रॉबिन कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस एंड सीपीयू शेड्यूलिंग में अप टू राउंड रॉबिन, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए. एनी डाउट रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस एंड सीपीयू शेड्यूलिंग अप टू राउंड रॉबिन, एनी डाउट प्लीज आस्क.